यूपी के पीलीभीत जिला पंचायत सदन में जमकर हंगामा हुआ। जिला पंचायत बोर्ड बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत के सरकारी कर्मचारी भाई व सरकारी डॉक्टर सहित जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे में अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर गाली गलौज कर धरना प्रदर्शन की धमकी दे डाली। वहीं सदन में बैठी लचार जिला पंचायत सदस्य महिलाएं व मौजूद अधिकारी मुख दर्शक बन तमाशा देखते रहे। जिन पतियों ने जिला पंचायत बोर्ड बैठक में कब्जा कर रखा था वह खुद सरकारी शिक्षक थे। सदन में हंगामे की सूचना पर कवरेज करने पहुंची मीडिया से अपनी करतूत छिपाने को लेकर मीडिया कर्मियों से ही अभद्रता करने लगे। जिला पंचायत अध्यक्ष से जब सदन में हंगामे के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कैमरे के रिकॉर्ड का बहाना कर बात को टालती नजर आई। कई सारे जो महिला सदस्य उनके पति बैठे थे उनकी जगह, जी, क्या वजह है ऐसा? नहीं देखिए, महिला सदस्य के पति के बैठने की अनुमति है, ये तो आप भी जानते हैं। जी बोलने की भी अनुमति है? नहीं बोलने बोला तो कोई भी नहीं। महेश वर्मा लगातार आपसे क्वेश्चन कर रहा था, रत्नेश से क्वेश्चन कर रहा था, रत्नेश है वो क्वेश्चन कर रहे थे, सीधी सब ये गुड्डू है, रविंद्र गुड्डू है, वो क्वेश्चन कर रहे थे लगातार। परमिशन है ना भैया? क्या तुम्हें परमिशन है बोलने की? परमिशन है? जी जी जी। यहाँ पे लगातार यहाँ कहना चाहेंगे, कई आज बोर्ड की मीटिंग थी, कई सारे मेंबर हैं जो बोलने से रह जा रहे हैं, वजह उसकी ये है कि जो और लोग आए हैं वो बोल रहे हैं बोर्ड की मीटिंग में, क्या कहना? नहीं वो ही बोल रहा है जो मेंबर है, या मेंबर उसकी घरवाली है तो उसका पति तो जरूर आएगा बोलने का भी है। जैसे बोलने का पंचायत सदस्य पति के बोल सकता है? हाँ बोल सकता है, लेकिन पत्नी भी मौजूद है फिर भी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को कमतर आग रहे हैं वो पति। वो तो बात सही है, अगर महिला नहीं बोल पा रही तो उसका पति उसके साथ में आया तो उसका बोलने का अधिकार है। हाँ कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं करेंगे। मैं इसकी जो है, आज आप जिला पंचायत की बैठक में आए थे, यहाँ पे एक जिला शिक्षा में जो टीचर थे सरकारी वो मौके पर देखे, वो छुट्टी लेके आए थे यहाँ? नहीं मेरी जानकारी में नहीं, अगर कोई मैं डलोड़ी खिला का खंड शिक्षा अधिकारी हूँ, मेरे क्षेत्र का शिक्षा मित्र नहीं। अच्छा, किसी शिक्षक को पत्रकार पे हमला करने का या अपशब्द बोलने का अधिकार है? किसी को किसी पे हमला करने का अधिकार? अच्छा, किसी शिक्षक को यहाँ जो बोर्ड की बैठक चल रही है नहीं, पत्नी नहीं, के आ सकता है? नहीं होना चाहिए। अब आपकी मामला संज्ञान में आया, आपने देखा कि कुछ लोग आए थे, करवाएंगे? अगर वो शिक्षक है तो कार्रवाई होगी, अनुमति लेके नहीं, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। कोई मतलब गलत है ना आपका? गलत।